मौजूदा भारतीय क्रिकेट में MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के रूप में कई बेहतरीन कप्तान हैं, पर विराट कोहली तीनों फॉर्मेट के टीमों के रेगुलर कप्तान हैं। हालांकि खिलाड़ियों को फ्रेश रखने के लिए BCCI ना सिर्फ खिलाड़ियों को बल्कि कप्तानों को भी रोटेट करती रहती है, इसलिए कई बार हम रोहित शर्मा को कप्तानी करते हुए देखते हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी हमेशा विकेट के पीछे अपने तजुर्बे से टीम की मदद करते हैं और एक गैर आधिकारिक कप्तान की भूमिका में नजर आते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में मौजूदा फिनिशर दिनेश कार्तिक की इन तीनों कप्तानी के अंतर बताया, चाहे वो विकेट कीपर की भूमिका हो या फिनिशर या फिर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करना हो, दिनेश कार्तिक एक दिवसीय क्रिकेट में अलग अलग भूमिका में देखे जाते हैं। कार्तिक के अनुभव, किस नंबर पर बल्लेबाजी करने की क्षमता है, उन्हें ना सिर्फ विश्व कप 2019 का दावेदार बनाए रखा है बल्कि भारतीय टीम के कीमती खिलाड़ियों में से भी एक बन चुके हैं। किसी भी अन्य खिलाड़ी की तरह कार्तिक को भी कप्तानों के साथ की जरूरत पड़ी। तमिलनाडु के विकेट कीपर बल्लेबाज कार्तिक तीनों खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल चुके हैं, इसलिए वो तीनों कप्तानी करने के ढंग के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि धोनी स्वाभाविक कप्तान हैं और वो मैदान पर दिल और दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। वो ज़्यादातर निर्णय मैच की परिस्थितियों को देखते हुए लेते हैं। दूसरी ओर विराट कोहली एक आक्रामक कप्तान है, वो विपक्षी टीम को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने को पसंद करते हैं। कोहली आत्मविश्वास से भरे हुए कप्तान हैं, वो एक एक खिलाड़ी को कप्तान के रूप में अपना स्टैंडर्ड ऊपर लेकर जा रहे हैं। दूसरी ओर रोहित ने विराट की गैर मौजूदगी में टीम की कमान अच्छे से संभाला है और बेहतरीन नतीजे दिए हैं, चाहे वो दुबई में 2018 का एशिया कप हो या न्यूजीलैंड का दौरा। रोहित को जब भी मौका दिया गया, वो एक कप्तान के रूप में उन्होंने खुद को हर बार साबित किया है। रोहित मैच से पहले अपना होमवर्क अच्छे से करते हैं और हमेशा रणनीति बनाते रहते हैं। वो अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों से बात करते रहते हैं। रोहित की कप्तानी के स्टाइल के बारे में बात करते हुए कार्तिक ने कहा कि रोहित अपनी रणनीति पर हमेशा फोकस रहते हैं, उसे बदलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले घरेलू एक दिवसीय सीरीज के लिए कार्तिक टीम का हिस्सा बन सकते हैं। टीम की घोषणा 15 फरवरी को होनी है। अगर कार्तिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें विश्व कप 2019 का टिकट भी मिल सकता है। बहरहाल देखना होगा कि क्या 2019 विश्व कप में दिनेश कार्तिक का बल्ला शानदार तरीके से चल पाता है या नहीं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।